गाइस 44वां क्वेश्चन देखो और ये आपको बहुत कुछ क्लियर करवा के जाएगा। प्रॉब्लम 44 ये इसलिए कराई जा रही है ताकि आपके जो एमसीक्यू आने वाले हैं 12 नंबर के एमसीक्यू वो आपके अच्छे हो जाएं, और ये अच्छे तभी हो सकते हैं जब आपसे वेरी शॉर्ट आएंगे। एमसीक्यू के लिए आप सारे वेरी शॉर्ट देख लो। देखो मैं करा रहा हूँ आपको मैग्नेटिज्म, इसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिज्म तक सारे के सारे वेरी शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 4 तक तो हो चुके हैं ऑलरेडी, 5वां चल रहा है जिसके वेरी शॉर्ट करा रहा हूँ। फिर इसके बाद में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके भी वेरी शॉर्ट करा दूंगा। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट तक जब पहुंच जाओगे तो आपका हाफ अर्ली का, मोर देन हाफ अर्ली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वेरी शॉर्ट को लेकर के। न्यूमेरिकल्स सबके ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो चुके, तो आपका हाफ अर्ली का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको मजा आएगा। ओवरऑल आपके खुद के मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। देखो आपसे कह रहा है कि ये दो मटेरियल हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक है पी और दूसरा है क्यू। अब आपसे कह रहा है कि इनमें दोनों में ये बताओ कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी कि सॉफ्ट आयरन के अगर कोर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन के अंदर से जाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। मज़ा आता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को सॉफ्ट आयरन के अंदर से निकलने में, ठीक है। और आपको पता सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक इन नेचर भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट आयरन के अंदर से जाएगा। इट मीन्स इसके एवज आप ये समझो जो मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा होगा उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा जाएगा। अब दो फिगर दे रखी हैं, इसमें देखो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो जिसके अंदर ज़्यादा जा रही हैं वो फेरोमैग्नेटिक है, जिसके अंदर से कम जा रही हैं उसके मुकाबले में तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये पी वाला जो है ये पैरामैग्नेटिक है और क्यू वाला जो है ये फेरोमैग्नेटिक है। हाँ, अगर आपके पास एक मटेरियल ऐसा होता जिसके अंदर से जाती ही नहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये होता डायामैग्नेटिक। क्या होता? डायामैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई? होप सो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइज़।